अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पिछले कुछ वक्त से उत्तर प्रदेश में कई सी चुनौतियों का सामना कर रही है। पहले विधानसभा चुनावों में हार का सामना, फिर एमएलसी चुनाव और उसके बाद हाल ही में हुए लोकसभा उपचुनाव। लोकसभा उपचुनावों में ये भी देखने को मिला कि आजमगढ़ के यादव भी अब बच चुके हैं। कुछ ने धर्मेंद्र यादव को वोट दिया तो कुछ ने दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को। ऐसे में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में और मजबूत बनाने के लिए और खोया हुआ समाजवाद जगाने के लिए, समाजवादी पार्टी को जनता के बीच पहुंचाने के लिए अखिलेश यादव ने 18 रत्नों पर भरोसा जताया है। पार्टी के सदस्यता अभियान को ये रत्न गति प्रदान करेंगे। वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को एक बार फिर जनता के बीच पहुंचाने और स्वीकारता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से प्रयास शुरू हो गया है। सपा अध्यक्ष ने इसके लिए जो टीम तैयार की है उसमें आश्चर्यजनक रूप से पार्टी की टॉप लीडरशिप में स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम दिखाई दे रहा है। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के सदस्यता अभियान को गतिशील बनाने के लिए और कार्यों की समीक्षा के लिए 18 नेताओं को नियमित किया गया है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव के सबसे पसंदीदा नेता हैं, जिन पर उन्होंने भरोसा जताया है। पार्टी नेताओं के जरिए जनता के बीच अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए इस प्रकार की रणनीति तैयार की गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी चुनाव 2022 से पहले योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर अपने सहयोगियों के साथ समाजवादी पार्टी में आए थे। हालांकि यूपी चुनाव में स्वयं मौर्य ने अपनी सीट पर दर्ज हासिल करने में सफलता नहीं पाई। हालांकि पिछले दिनों हुए विधान परिषद चुनावों में उन्हें पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था। विधान परिषद बनाने के बाद अब अखिलेश यादव उनके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए अखिलेश गैर यादव अन्य पिछड़े वर्ग में अपने संगठन को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में प्रदेश स्तर पर दूसरे नंबर पर उनको शामिल किए जाने को लेकर कई सी चर्चाएं चल रही हैं। आइए आपको बताते हैं वो 18 रत्न है कौन से। नरेश उत्तम पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य, इंद्रजीत सरोज, रामाचल राजभर, नरेंद्र वर्मा, महबूब अली, दयाराम पाल, किरण पाल कश्यप, अरविंद सिंह गोप, अरविंद कुमार सिंह, संजय लाठर, शशांक यादव, मिठाई लाल भारती, राम आसरे विश्वकर्मा, राजेश कुशवाहा, के श्रीवास्तव, डॉक्टर हरीश रंद और प्रोफेसर बी पांडे। ये है वो 18 रत्न जिस पर समाजवादी पार्टी का भविष्य निर्भर करता है। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।